नमस्कार, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। रंगों के त्यौहार होली में महज दो दिन बचे हैं, पर अभी तक वातावरण में फगुनाहट की गूंज सुनाई नहीं दे रही है। कोरोना की कालिमा और सरकार के फरमान ने होली के रंगों पर ग्रहण लगा दिया है। देश में रोजाना कोरोना के 40,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में हालात बेहद खराब है। देश के 10 शहरों में तो ऐसा हाल है कि लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। देश के 18 राज्यों से 771 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नए वेरिएंट देखे गए हैं। यूके वेरिएंट के 736 नए केस सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के 34 मामले और ब्राजीलियन वेरिएंट का भी एक केस सामने आया है। यानी देश में कोरोना का हाल बेकाबू हो रहा है। कोरोना कैसे होली के त्यौहार में खलल डाल रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये जोश, ये उमंग, ये भीड़ अब इस बार होली में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस बार होली का मजा किरकिरा करने के लिए दरवाजों पर कोरोना खड़ा है। इस बार होली के रंग तो होंगे, लेकिन वैसी पार्टी नहीं हो सकेगी कि जिसके लिए ये त्योहार मशहूर है। इस बार मनहूस कोरोना का प्रकोप सीधे तौर पर होली के त्योहार पर देखने को मिलेगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकारें सख्ती बरतें। इसके साथ ही केंद्र ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। त्योहार के दौरान केंद्र की तरफ से भीड़ रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों का आकलन करते हुए केंद्र ने जिला, शहर और वार्ड स्तर पर प्रतिबंध लगाने की छूट दी है। वहीं दुकानदार बताते हैं कि बाजार काफी मंदा है, बाजार में खरीदार बहुत कम है। होली के अवसर पर खास दुकान लगाने वाले लोग भी कहते हैं कि इस बार कोरोना को लेकर लोगों में संशय है। इसके कारण इस बार अबीर, गुलाल सहित अन्य होली के सामानों का अधिक स्टॉक नहीं किया गया है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है। इसके कारण होली मनाने के लिए भीड़ में जाना उचित नहीं। सरकार और प्रशासन भी लोगों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए घरों में होली मनाने की अपील कर रहा है, लेकिन कोरोना के एक बार फिर बढ़ते प्रकोप ने कई लोगों की होली फीकी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो इस बीच आम तो आम, कई सेलिब्रिटी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें, आमिर खान, बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन, रमेश तौरानी, तारा सुतारिया, सिद्धांत चतुर्वेदी, रणवीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, तो देखिए जो तमाम सुरक्षाओं के बीच रहते हैं वो भी कोरोना के प्रकोप से बच नहीं पा रहे। तो ऐसे में आप भी सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।